कौन है? कहाँ है? मैं और कौन? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें छूने की हिम्मत मेरे सिवा और किसमें है? आप कब आए जी? मैंने देखा ही नहीं। कैसे देखोगे? मेरी भगवान तो मुझसे ज्यादा किसी और के ख्यालों में खोई रहती है। जब सामने आता हूँ तभी मेरी याद आती है। अरे अरे संभाल के। देखो मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अगर ऐसे कुछ हो गया तो उठते समय ना हाथों का सहारा लेकर उठो, पेट पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे धीरे से हम शीशे को हटाते ना वैसे ही संभाल के उठना चाहिए। रहने दीजिए जी, जैसे मैं कोई नाजुक फूल हूँ। ये क्या है? ये मेरे सपनों की गुड़िया है। तुम क्या चाहती हो? नाइस बॉय। हमारी शादी को 15 साल हो गए। मैं तो डर रहा था कि हमारे घर में कभी बच्चा होगा भी या नहीं, लेकिन नहीं। खैर सुनो, एक बात बताऊं तुम्हें? कहिए जी। हो सके तो एक साथ 2 बच्चों को जन्म देना, मुझसे 10 महीने का और इंतजार नहीं होगा। आप भी ना। मैं कह रही थी। रुको, मेरी बच्ची कुछ कह रही है, कान लगाकर सुनने दो। बच्ची क्या? देखो अब हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, कहीं अगर उसने सुन लिया तो। देखिए जी, आप बार बार बेटी मत बोलिए, मुझे लड़का चाहिए। लड़की होगी। लड़का होगा। लड़की होगी। लड़का होगा। लड़की होगी। लड़का होगा। लगी शर्त? लगी शर्त। अगर मैं जीत गया तो इस गाल पे 10 और इस गाल पे 10 पप्पी लूंगा। और मैं जीत गई तुम तो? यहाँ पप्पी लेना। अरे शर्मा क्यों रही है, एक तो अभी दे दो। ए जी उठिए ना, चलिए। छोड़िए तो, पूरा बदन दुख रहा है, अब जाने दीजिए। किसकी खुशी है? गांव आने की छुट्टी मिली इसलिए? असली खुशी तो घर में मिलती है, ये खुशी वहाँ कहाँ। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हूँ खुशियाँ बांटने के लिए। कॉफी? कॉफी तो ठंडी हो गई है, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। तुम आ गए क्या? अरे आप बड़े मन लगा कर लिख रहे हो, है क्या वो?
हिसाब है। अच्छा 18 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। मिल गया क्या? नहीं, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, बीच में कहीं छुपा हुआ है, उसे ढूंढ लूंगा। अच्छा साहब सुना है कोयम्बटूर में बहुत बारिश हुई है। कोयम्बटूर नहीं, ऊटी में बारिश आए, बिजली गिरे, कंपार्टमेंट में सीट मिले या ना मिले, इंजन में बैठ कर मद्रास जरूर पहुँच जाऊंगा साहब जी। कहीं मैं हर हफ्ते घर ना आ जाऊँ इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो? आपको अपने घर से लेकर अदालत तक जज की कुर्सी में बैठ कर मुजरिमों को सजा सुनाने वाले आपका दमकता हुआ चेहरा हर रोज देखने के लिए मैं आ रहा हूँ। मेरा चेहरा? आपका चेहरा तो बचपन से देख रहा हूँ, महालक्ष्मी जैसी मेरी बहन का चेहरा देखने। ये बताओ तुम कैसे? आप तो जानते हैं कि मैं बैचलर हूँ, बस पेट भर खाना खाता हूँ, आराम से सो जाता हूँ आपकी दया से। मक्खनबाजी क्यों कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, एवरी संडे को जस्टिस गोपीनाथ की सेवा में ये सेवक हाजिर रहता है, ये सभी जानते हैं। ट्रेवलिंग एजेंट के पास जाकर टिकट बुक करके आता हूँ। सामने कटघरे में खड़े उस मुर्गन को तुम जानते हो? ये बताओ उस दिन क्या हुआ था? इसने मेरे मालिक से 500 रुपए उधार मांगे थे, मेरे मालिक ने इसे देने का वादा किया, उसके बाद दूसरे दिन इसे बुला के 500 रुपए दे दिए। उसके बाद क्या हुआ? मुर्गन ने कभी मालिक को मुंह नहीं दिखाया। मालिक मुझे अपने साथ लेकर मुर्गन के घर पैसा मांगने पहुँचे। मालिक ने कहा कि तुम पैसे कब लौटाओगे, कौन सा पैसा, किसने किसको दिया, ऐसा इसने उल्टा जवाब दिया मालिक को। पुलिस में जाने की धमकी देकर मालिक पर मुर्गन ने जानलेवा हमला किया। मालिक जान बचाकर वहां से भाग निकले, तब मुर्गन ने हथियार अपने हाथ में लेकर मालिक के पीछे भागा। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है योर ऑनर। मिलोर्ड, मुर्गन की हरकत अब अदालत के सामने है। इस पर जिन्होंने एहसान किए थे उन्हीं के साथ इसने एहसान फरामोशी की। जिन्होंने इसे नेक नियति के साथ पैसा दिया था वो पैसा ना लौटाकर धोखाधड़ी की और उस भले मानुष पे हमला भी किया। ये अब हम सबके सामने है कि इसने एक नहीं तीन तीन गुनाह किए हैं माय लॉर्ड। इन तीनों गुनाहों को सच साबित करने के लिए मैं उन सारे गवाहों को यहाँ अदालत में पेश कर चुका हूँ योर ऑनर, और वो सारी बातें यहाँ अदालत में सच साबित हुई हैं योर ऑनर। इसलिए धोखाधड़ी, एहसान फरामोशी और जानलेवा हमला करने के लिए इस अपराधी मुर्गन को सख्त से सख्त सजा दी जाए माय लॉर्ड। मैंने सारी बातें इस अदालत के सामने पेश कर दी है योर ऑनर। इस केस के बारे में अगर तुम कोई सफाई देना चाहते हो तो दे सकते हो, हाँ अगर वकील की जरूरत हो तो बता दो, अदालत तुम्हें मुहैया कराएगी। नहीं साहब, मैं गुनहगार हूं। पहला गुनाह गरीब के घर में जन्म लिया, दूसरा गुनाह गरीब के घर में जन्म लेकर एक खूबसूरत लड़की से शादी की। ऑर्डर ऑर्डर, अगली 29 तारीख को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। हाँ मैं बोल रहा हूं, क्या सुनाई नहीं दे रहा है? जरा जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो। हाँ क्या मालकिन सीढ़ियों से गिर गई है? माय गॉड, अब कैसी हैं? हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, फिक्र मत करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके सुनो, क्या हुआ मालिक? ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मैं गांव जा रहा हूँ। अच्छा मालिक। डॉक्टर साहब। हाँ आइए बैठिए। राधा कैसी है? मिस्टर गोपीनाथ, आपकी पत्नी घर की सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए उन्हें काफी गहरी चोटें आई हैं, और उसकी वजह से उनका गर्भाशय डैमेज हो गया था। अगर फौरन ऑपरेशन नहीं करते तो उनकी जान को खतरा था, और इसी वजह से हमें आपको यहाँ फौरन बुलाना पड़ा उनके ऑपरेशन पेपर पे आपके साइन लेने के लिए। मिस्टर गोपीनाथ, मैं माफी चाहता हूँ कि आपकी पत्नियां मां नहीं बन पाएगी। माय गॉड, ये क्या, आप अपने आप को संभालिए मिस्टर गोपीनाथ। डॉक्टर, ये बात उसे तो नहीं बताई ना? नहीं नहीं, ये बात उसे पता चलेगी तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। यही सोच सोचकर मेरा दिल घबराहट के मारे डूबा जा रहा है। देखिए डॉक्टर, आपको एक झूठ बोलना होगा, मैं इस बात को राज रखना चाहता हूं और इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। डोंट वरी मिस्टर गोपीनाथ, वक्त हर जख्म को भर देता है। बाय द वे, आप इस पे साइन कर दीजिए। किस लिए डॉक्टर? आपकी इजाजत लिए बिना हमें ये ऑपरेशन करना पड़ा।
भगवान कैसी अदालत है तुम्हारी, दुनिया देखने से पहले ही मौत की सजा दे दे। चुप हो जा, तुम रो क्यों रही हो? गलती हमारी है, वक्त से पहले हम लोग खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन होता तो वही है ना जो किस्मत में लिखा होता है। तुम्हारी जान बच गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अभी हम लोग कौन से बूढ़े हो गए हैं, हिम्मत रखो। तुम ऐसे रोती रहोगी तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी। सर जरा बाहर जाइए। क्या तुम्हें इसका दुख नहीं है? खैर, जो होना था सो हो गया। इस तरह से कब तक उदास रहेंगे? हम लोग अभी तक बूढ़े नहीं हुए हैं, हमारे घर में मेहमान आ सकता है। तुम तो मेरी बात ही मुझे लौटा रही हो। ये हमारा दुख है, हमें ही झेलना पड़ेगा। देखिए जी, आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए, मन को सुकून मिलेगा। मैं आपके कपड़े पैक करती हूँ। मेरी बात सुन रहे हैं ना? हंसिए ना। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ठीक हो ना? जी सर। क्या बात है? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोग्राम है, आपका सहयोग चाहिए। हाँ सर। ओह यस, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। ब्रजेश्वर आया भाई साहब। ओह आओ, चलो आप लोग बैठिए, हम आते हैं। कौन हो बहन, यहाँ क्यों आई हो? साहब से मिलना है। घर पर साहब से कोई नहीं मिल सकता। ऐसी बात मत कहो भाई साहब, मैं उनसे बात करके तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या? घर पे साहब से कोई नहीं मिल सकता, बोला ना। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, साहब से मिलकर चली जाऊंगी, मुझ पे रहम करो। अरे रे 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 रे, तुम तो बहुत परेशान लग रही हो, रुको मैं पूछ के आता हूँ। मालिक, आपसे एक औरत मिलने आई है, कह रही है कोई खास बात करनी है। बोला। अरे बहन आ जाओ। मिल लो। मालिक, मालिक मेरे आदमी को बचा लीजिए। मालिक मेरा मंगलसूत्र मत छीनिए। मालिक मेरे बच्चों को अनाथ मत बनाइए। कौन हो तुम? मैं हूँ मुर्गन की धर्मपत्नी, जिसके केस का फैसला आप सुनाने वाले हैं। उस केस में आपके कटघरे में वो गुनहगार बन के खड़े हैं, उन्हीं की पत्नी हूँ मैं। ओ। ये सब बातें यहाँ मत करो बहन। मालिक, इंसाफ के देवता, सच्चाई क्या है मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद अब जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगी। मालिक मुझ बदनसीब का आंसू पोंछने वाला उनके सिवा और कोई नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ मत कीजिए मालिक, लेकिन कम से कम एक बार सच्चाई सुन लीजिए। मालिक मैं सच कह रही हूँ, मेरे आदमी ने किसी पर भी जानलेवा हमला नहीं किया है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मालिक, मैं और मेरे पति जब मजदूरी करके घर लौट रहे थे। अरे ये क्या, संभाल के आराम से आ गई है। लगता है बैलों की नई जोड़ी है, पहली बार बांधी है क्या? बिल्कुल ठीक कहा, इस गांव के लिए भी नए हैं, आज ही खरीदे हैं। तभी तो ऐसा हुआ। हाँ हाँ, इसे मैं सुधार लूंगा। हाँ बस थोड़ा वक्त लगे। कोई बात नहीं, यहाँ पास ही मेरा घर है, आप चलकर आराम कीजिए, तब तक मैं गाड़ी बना देता हूँ, भगवान इन्हें घर ले जाओ। आसपास कोई भी नहीं है। अंदर आइए, आइए। बैठिए।
छाछ पीजिए। प्याज तो किसी और चीज की लगी थी लेकिन तुम छाछ ले आई। कोई बात नहीं, इतने प्यार से पिला रही हो तो पी लूंगा मैं। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा, झूले में झुलाऊंगा। तुम्हारे इन शराबी नैनों से मैं भी कुछ पी लूंगा। आपकी गाड़ी ठीक हो गई? अरे वाह, इतनी जल्दी ठीक हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं, रहने दो मालिक। क्यों, तुम भी इस गांव में नए हो क्या? जी हाँ, काम की तलाश में आया हूँ। बस अभी अभी दिन का मजदूरी करके लौट ही रहा था। अरे रे रे रे, मेरे पास काम ही काम है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगे। जी तुम लोग कल सुबह मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। जी मालिक। ठीक है ना? हाँ। रानी अब मैं चलूं? हाँ? चलता हूँ मैं। दूसरे दिन मेरे पति जब उनके घर गए तो उन्होंने उन्हें नौकरी पर रख लिया और उन्हें अपने विश्वास में लेकर मेरी बातों पर विश्वास नहीं करने जैसा उन्हें कर दिया। मैं उस शैतान के बारे में जो भी कहती वो मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, हर वक्त उसी के गुण गाते रहते थे। सुनो भगवान, मेरे मालिक मुझे बहुत मानते हैं, मुझे उन्होंने एक जिम्मेदारी वाली नौकरी दी। चुप रहिए जरा, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुना। तुम्हें मेरे मालिक के नाम से इतनी जलन क्यों हो रही है? देखिए जी, आप उसकी नौकरी छोड़ दीजिए, कहीं और कर लीजिए। चटनी और रोटी खाकर इज्जत से जी लेंगे। वो है, वो ये है, बस उसी की बातें करते हैं। छोड़ तू, मेरे मालिक से क्या लेना देना है वो मैं देख लूंगा। लाख समझाने के बावजूद मेरी एक नहीं सुनी। मैं उस शैतान के बारे में गलत सोच रही हूँ, यही कह के मेरा मुंह बंद करा देते थे। फिर भी मैं उन्हें रात दिन समझाने की कोशिश करती रही। और फिर एक दिन, क्या बात है जी, आज बहुत जल्दी आ गए। क्या कहूँ, कुछ पैसा बैंक में जमा करवाना है, इसीलिए मालिक मुझे शहर भेज रहे हैं। वापस कब तक आओगे? अरे शाम तक आ जाऊंगा बाबा, हमारा राज है ना ट्रक ड्राइवर, वो कुछ सामान लेकर शहर जा रहा है, उसी की गाड़ी में जाकर उसकी ही गाड़ी से शाम तक लौट आऊंगा। क्यों जी, आपका जाना जरूरी है क्या? हाँ भाग्यवान, दूसरे का पैसा लेकर आओ। तुम फिक्र मत करो, पैसा मैं संभाल लूंगा, तुम अपना ख्याल रखो। अरे देखो वो बुला रहा है, आ रहा हूँ मैं, शाम तक आ जाऊंगा। उस दिन रात को मैं घर में बिल्कुल अकेली थी और वो शैतान उस रात मेरे घर आ गया और अभी तक वो आए नहीं है। जानता हूँ मैं, कुछ देर में आ जाएंगे। नहीं वो कल ही आएगा, मुर्गन को मैंने ही बाहर भेजा है काम पे, गलती से मैंने उसे गलत एड्रेस दे दिया है। अब गलत एड्रेस में टाइम तो लगेगा, उसके आने से पहले अगर मेरी प्यास बुझा दो तो। तू शैतान है, मैं उसी दिन जान गई थी। देखो मुझे मजबूर मत करो। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे। एक कुत्ते, छोड़ दे इसे। तेरी औरत पे बुरी नजर डालता है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अपने घर की इज्जत लुटती हुई देखकर मालिक कौन सा पति चुप रहेगा? मैं अपने पति की कसम खाकर कहती हूँ, अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, वो निर्दोष है मालिक। बहन मानता हूँ कि तुम सच कह रही हो, लेकिन ये सब यहाँ बताने से क्या फायदा? अपने पति को बचाना है तो कोर्ट में सबूत के साथ आकर गवाही दो। उनके खिलाफ उस शैतान ने सारे गवाहों और सबूतों को पैसे देकर खरीद लिया है मालिक। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी केस जब कोर्ट में पहुँच जाता है तो सारे फैसले इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर करने पड़ते हैं, इसलिए तुम यहाँ पर जो भी बताओगी उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम इंसाफ चाहती हो तो गवाहों के साथ कोर्ट में आना होगा। अब तक इस अदालत में जो 12 गवाह पेश किए गए, उन गवाहों की बात ध्यान से सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुरुगन गुनहगार है। धोखाधड़ी,
एहसान फरामोशी और जानलेवा हमला, ये तीनों आरोप अदालत ने गवाहों के आधार पर एकदम सही पाए हैं, इसलिए ये अदालत आप सबके सामने आज ये फैसला सुनाने जा रही है। आरोपी को अदालत ने मुजरिम ठहराया है। इस अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर यह फैसला लिया है और अब ये अदालत आरोपी मुरुगन को बामुशक्कत 4 साल की सजा सुनाती है। नमस्ते साहब। कौन हो तुम और क्या बात है? कल आपने जिस मुरुगन को सजा सुनाई, उसकी औरत ने कल रात को ही अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सरकार, उसने सच्चाई आपको बताकर भी अपने पति को बेगुनाह साबित करके उसे सजा से नहीं बचा पाई, इसीलिए इस बच्चे को मुझे देकर कहा इसे मैं आपको सौंप दूं, ताकि आप इसकी अच्छी तरह से परवरिश करें। जब मुरुगन जेल से छूट जाएगा तो इस बच्चे को आप उसे दे दें। ये क्या बात हुई? उसने कोर्ट में आकर सच्चाई बताने की जगह इस बच्चे को मेरे हवाले कर दिया, मैं इसका क्या करूं? अच्छा, तुमने तो मुरुगन के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी ना? हाँ साहब, अगर ऐसा नहीं करता तो वो मेरा जीना हराम कर देता। मेरे घर में भी एक जवान लड़की शादी के लायक है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम जाओ। ये क्या हो गया? मैंने गलत फैसला कैसे कर दिया? नो, गवाह और सबूत अब नो। साहब, रामू काका बच्चे को लेकर फिर आ गया साहब। क्या? रामू काका बच्चे को लेकर फिर आ गया साहब। बुला उसे, फौरन बुला उसे। रामू काका, साहब तुमको बुला रहे हैं, जल्दी आप आओ। उस औरत ने मरते समय तुमसे क्या कहा था? इस बच्चे को मैं आपको सौंप दूं, इसकी आप अच्छी परवरिश करेंगे। जब मुरुगन जेल से छूटकर आ जाएगा तब आप इस बच्चे को उसे दे दीजिएगा। हाँ। अब तुम जाओ। जी, तुम जाओ। जी। इसे मैं पालूंगा, मुरुगन के आने तक मैं अच्छी तरह से इसकी परवरिश करूंगा, परवरिश करूंगा। राधा, मुझे मत छूना। आपने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर से आपने झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? बताइए आप मुझे। राधा, मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे अरमानों का सभी ने मिलकर गला घोंट दिया है। राधा, आप चुप रहिए। मैं आप पर भरोसा करती थी, आज के बाद वो भी नहीं रहा। अब मैं जीकर क्या करूँगी? ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? अब आप अपने हाथों से ही मेरा गला घोट कर मार दीजिए, मार दीजिए। मैं नहीं जीना चाहती, मार दीजिए।
आए हो, इसे इसी वक्त मेरे आंखों के सामने उठाकर फेंक दीजिए। राधा, 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 ये क्या कर रही हो? राधा, लाओ बच्चा मुझे, लाओ मुझे, लाओ ये बच्चा, क्या कर रही हो तुम? छोड़ दे। छोड़ेल, खुद को औरत कहती हो? अब पता चला तुम माँ बनने लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम में वो गुण है ही नहीं। माँ की ममता तुम्हारे अंदर मर चुकी है। औरों के बच्चे को भी अपना बच्चा समझने वाली होती है माँ। अरे बच्चे के लिए तुम्हारी वो तड़प एक दिखावा थी, एक नाटक था। मैं एक औरत नहीं हूँ, एक डायन हूँ, डायन। राधा, राधा, तुम क्या समझती हो कि मुझे इस बात का दुख नहीं है? लोग जब औरों के बच्चे को भी गोद लेते हैं तो उसे अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार देते हैं। आज मेरा दुख दर्द मैं कैसे सुनाऊं? क्या करें, अपने हिस्से का दुख सहना ही पड़ता है। उधर देखो, ये नन्हा सा बच्चा मेरे गलत फैसले से अनाथ हो गया है और मुझे इसका ये उधार चुकाना है। पति के गलत फैसले के प्रायश्चित में पति का साथ देना पत्नी का फर्ज नहीं है क्या? समझो कि भगवान ने हमें ये संतान दे दी है। राधा, बताओ तुम इस अनाथ बच्चे की मां बनना चाहती हो या नहीं? भाई साहब, कुछ लोग आपकी गैर हाजिरी में डोनेशन लेने के लिए आए थे। मैं उन्हें 100-200 रुपए देकर रवाना करना चाहता था, तब उन्होंने कहा अंदर से जाकर बहन को बुला कर लाओ। उसके बाद पता है, दुनिया का एक मशहूर हस्ती, इतना बड़ा बंगला, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन एक वारिस नहीं है। डॉक्टर से बहन ने पूछा तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। जिस बात को हम बहन से छुपाते आए हैं वो बात बहन को पता चल गई भाई साहब। उसके बाद तो फिर घर में तोड़ फोड़ मचा दिया, सारे खिलौने तोड़ डाले, बर्तन फोड़ डाले, तकिया बिस्तर फाड़ डाला, सर पर जैसे भूत सवार हो गया हो। उसी वक्त आप एक बच्चे को लेकर यहाँ आ गए, अब कोई डर नहीं है। अब आगे डर ही डर है। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? 4 साल बाद उसका बाप जेल से छूटकर आएगा, तब उसके बाद उस बच्चे को उसे देना पड़ेगा या नहीं? हे भगवान, 4 साल तो रहेगा ना, 4 साल के बाद वो बच्चे को लेने वापस आएगा, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। 4 साल बाद उस बच्चे को उसके बाप को लौटाना पड़ेगा, ये बात राधा को बतानी पड़ेगी। क्यों अनर्थ कर रहे हैं भाई साहब? मेरी बात सुनिए, इस वक्त बच्चे को वापस करने वाली बात आप बहन से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। रवि, 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 तो तू यहाँ छुपा है। चलो लिखो। ए जी, रवि को स्कूल में दाखिल करने जा रही हूँ। स्कूल जाने की जिद कर रहा है इसके लिए। तो डाल दो। तो फॉर्म में साइन तो कीजिए। ए बेवकूफ, ये इसमें क्या गलत सलत लिखा है? बाप के नाम की जगह पर मेरा नाम लिखा हुआ है, इसके असली बाप का नाम क्यों नहीं लिखा है? एक नया फॉर्म लेकर उसमें इसके बाप का असली नाम डालो और गार्जियन की जगह पे तुम अपना साइन करो। 3 सालों से देखती आ रही हूँ, अभी भी आप नहीं बदले। तुम्हें अकल है कि नहीं? बच्चे के भविष्य का सवाल है, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो, एक दिन जब वो भाई साहब खामोश हो जाइए, बच्चे का आज स्कूल में पहला दिन है, आप लोग लड़िए मत। बहन, तुम अपने हिसाब से काम करो। देखिए भाई साहब, मेरी बातों को गलत मत समझिएगा,
बच्चे की छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा करना बहन की सेहत के लिए ठीक नहीं है। पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, अच्छी तरह पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी बनना। हाँ वैसे ही जैसे तुम्हारे पिताजी एक बड़े जज हैं। पापा को टाटा करो। टाटा। भाई साहब बहुत एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, बच्चा आपके साथ बहुत घुल मिल गया है भाई साहब, ये कह रहा था। लेकिन आप ये दिखलाना चाहते हैं कि आपका उसे कोई लगाव नहीं है, इसलिए बस मैंने काम करो। काम तो मैं करूंगा ही भाई साहब, चुपके से बच्चे से प्यार करते हैं और माँ के सामने दिखावा करते हैं, ये बात मैं एक दिन बहन जी को बता दूंगा। अरे भाई साहब। कौन है भाई, क्या चाहिए? जस्टिस गोपीनाथ जी यही रहते हैं। पहले रहते थे, आप नहीं है? उनके बारे में कुछ पता है तो मुझे बताओ। खुद कुछ नहीं पता है भाई, मैं तो यहाँ नया आया हूँ। भाई मुर्गन भाई। अरे मनी तू कैसा है रे? मैं ठीक हूँ भाई, आप कब आए? दो दिन पहले ही जेल से छूटा हूँ, मेरी कहानी तो तुझे पता है। सबको पता है भाई। मैंने सुना है कि मेरा बच्चा मुझे सजा सुनाने वाले जज के पास है, उनके यहाँ जाकर देखा तो वो अब वहाँ नहीं रहते। अगर उनके बारे में कोई जानता हो तो मुझे बता दे। आप इस वक्त मेरे घर चलिए ना, मेरा घर नजदीक ही है, हम दोनों साथ मिलकर उसका पता लगाएंगे। आइए चलिए। गंगा गंगा, ये हमारे मुर्गन भैया। गंगा जब मुझे पढ़ाई करने के लिए शहर जाना था तो शहर जाने के पैसे इन्होंने ही मुझे दिए थे, और ये है मेरी धर्मपत्नी गंगा। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा सुखी रहो। भैया इस वक्त बहुत तकलीफ में है, जब तक इन्हें कुछ काम नहीं मिल जाता तब तक ये हमारे घर में ही रुकेंगे। आराम से रहिए, अपना ही घर समझिए। ठीक है, अब कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? आप आराम से बैठिए, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। अरे तुमने ये 29 तारीख को मार क्यों किया? उस दिन रवि 4 साल का हो जाएगा और उसका जन्मदिन भी है। इस बार उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, इसके लिए तैयारी में लगी हूँ। 29 तारीख, 4 साल गुजर गए, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। भाई साहब बच्चा केक हाथ में लेकर खड़ा है। ओ छोड़ो इसे। ये तू कौन है? मैं शेर हूँ, तुझे कच्चा चबा जाऊंगा मैं। चलो। अरे देख तू अच्छा नहीं कर रहा है मुझसे। डाय कि नहीं। रास्कल, दूसरे की औरत पे बुरी नियत रखता है। उठ उठ उठ। क्या हुआ भैया, मर गया क्या? शाम से देख रही हूँ आप किसी गहरी सोच में डूबे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो और क्या बात है? कहा ना कुछ नहीं है। कोर्ट की याद आ गई? एक केस उलझ गया है, कुछ समझ में नहीं आता क्या फैसला करूं। केस क्या है ये तो बताइए, उसका जजमेंट मैं देती हूँ। आओ देखता हूँ इस केस में तुम क्या जजमेंट देती हो। एक औरत का एक छोटा सा बच्चा है। उस औरत को किसी काम से बाहर जाना था। उसने क्या किया पता? उसने अपने बच्चे को एक सहेली को देकर कहा कि मेरे आने तक बच्चे को संभाल लेना। उसने बच्चे को लाड़ प्यार से पाला, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक दिन वो लौट कर वापस आई और अपने बच्चे को उसने वापस मांगा। जिसने उस बच्चे को पाला था उसने बच्चे को देने से मना कर दिया। ये है केस।
कोर्ट में आया है, कल इसका फैसला है, तुम क्या करोगी? ये तो बहुत सिंपल है। क्या कहा? सिंपल है कहा। वो कैसे? जिस माँ ने पाला उसे उस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है, जिसने उसे जन्म दिया उसी का हक है। जिसने उसे पाला चाहिए तो वो खर्चा ले सकती है, अगर बच्चे से मिलने का दिल किया तो वो कभी भी आ सकती है। हो गया केस सॉल्व। वेरी गुड, यही फैसला मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। आपने जो सुना है ये कोर्ट का केस है या फिर अपने घर में होने वाला बवाल है? अभी तो तुमने कहा था कि इस फैसले से कोई बवाल नहीं होगा। रवि का सगा बाप कल जेल से छूटने वाला है, उसके लड़के को उसे लौटाना होगा हर हाल में। बच्चे को लौटाना पड़ेगा, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसे अपने कलेजे से लगाकर पालने के बाद आप ये मुझसे कह रहे हैं? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस बच्चे को हमें वापस लौटाना है, उस बच्चे को आप घर में क्यों ले आए? बताइए, कुछ भी हो जाए मैं ये बच्चा नहीं दूंगी। मैं मेरे रवि को नहीं लौटाऊंगी, नहीं लौटाऊंगी, नहीं लौटाऊंगी, नहीं लौटाऊंगी। मुजरिम के इकबाले बयान से ये साबित होता है कि ये खून उसी के हाथों हुआ है। उसके इकबाले बयान को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दफा 302 के तहत मुर्गन को कैद बा मशक्कत 20 साल की सजा सुनाती है। तुम भी गुनहगार बनना चाहती हो? बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? आपने कहा ना रवि को लौटाना है, इसीलिए। इसलिए क्या? अपने मायके जा रही हो या गांव जाने का फैसला किया है? रवि के बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। राधा, कुछ ही दिन तुमने उस बच्चे को पाला है और तुम कह रही हो कि उसके बिना नहीं रह सकती, तो उसे पिछले 4 साल से देखने के लिए तड़पने वाला उसका बाप उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? इतना ही नहीं, अब उसकी जिंदगी का एक ही सहारा है और वो है ये बच्चा। ए जी, मेरे दिल को सुकून मिला है वो ये मेरे बच्चे। सही है, मैं कब कहता हूँ कि नहीं है, लेकिन इस बच्चे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये दूसरे की अमानत है। मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बच्चे को पाल पोस कर उसके बाप के हवाले कर दूंगा। आधा मुझे माफ करना, पति को वचन निभाने में मदद करना तुम्हारा फर्ज है। ला बच्चा जी, चलो। मेरे बच्चे को मत ले जाइए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मत ले जाइए, मैं जिंदा नहीं रह सकती। रवि, मुर्गन यही था, लेकिन 2 महीने पहले यहाँ से छूट चुका है। छूट गया है? जी हाँ, उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे छोड़ दिया गया। आई सी। क्या आपको जानकारी है कि इस वक्त वो कहाँ मिल सकता है? वो बताना मुश्किल है सर, हो सकता है वो कभी न कभी यहाँ आए। क्यों, आपको उसे मिलना जरूरी है क्या? यस, उसने अपनी एक खास अमानत मेरे पास रखी है, मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए, वो जैसे ही आएगा मैं आपके पास भेज दूंगा। ये लो, चलो। जज साहब। भाई साहब, आप आ गए। छोटे राजा, तुम भी आ गए। क्या हुआ, उससे मिले क्या? राधा कहाँ है? जब से आप बच्चे को लेकर गए हैं, बहन अपने कमरे से नहीं निकली है।
मुझे बहुत दूर घुमाने ले गए थे। मुझे माँ मत बोल, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तू चला जा यहाँ से। जा। राधा? आप ही लेकर गए थे ना, फिर इसे वापस क्यों ले आए? अब मैं कहती हूँ वो यहाँ नहीं रहेगा। अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसी वक्त उसे यहाँ से ले जाइए, ले जाइए उसे। वो मेरा बच्चा नहीं है, ले जाइए उसे, ले जाइए। सब बर्बाद हो गया। हाँ। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सब इस लड़के की वजह से हो। देखिए, तो गुस्से में आकर घर की चीजों को इस तरह से तोड़-फोड़ करने का कोई मतलब नहीं है भाई साहब। सब कुछ जाने दो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तुम भी जाओ और अपने साथ इस बच्चे को भी लेकर जाओ। जाकर किसी अनाथालय में डाल दो। इसकी वजह से घर का सुख चैन छिन गया है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं जाऊंगा। भाई साहब, आप भी बहन की तरह गुस्सा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसमें बच्चे का क्या कसूर है? तुम चुप रहो, लाओ ये बच्चा मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ उसे। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, लाओ छोड़िए, बच्चे का क्या कसूर है? रवि, मेरे बच्चे, मुझे दीजिए। रवि, ये रवि रवि क्या लगा रखा है? मैंने कहा था ना इसे लेकर जाओ। ला दो मुझे, इसे ऐसी जगह छोड़ दूंगा जहाँ ये सुख से रह सके। नहीं जी, ला दो। ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे को दूर मत ले जाइए। मैं मुझे सुना दीजिए, आपको जो बोलना है मुझे कहिए। अरे अब बस भी कीजिए। चलो चलो, यहाँ आओ, यहाँ आओ, शट अप, सीधे खड़े हो, पोजीशन लो। कराटे सिखा रहे हैं या मार रहे हैं? फूल, मार खाएगा तभी तो सीख पाएगा। गरीबों की रक्षा करने के लिए ही मैं इसे ये सब सिखा रहा हूँ। मुझे इसे बहुत मजबूत बनाना है। आपके कराटे भी नहीं चाहिए और फराटे भी नहीं चाहिए, चल बेटा। Wish you all the best, my dear son. जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है तो हर माँ बाप को गर्व होता है, जैसे मुझे हो रहा है। बट वन थिंग, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया उसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना, ये मेरा ऑर्डर है। आज के बाद मेरे हर कदम आपके कदमों के निशान पर ही चलेंगे। अगर तुम्हें मेरे नक्शे कदम पर चलना है तो तीन बातों को ध्यान में रखना होगा। नंबर एक, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, मुझे नाइंसाफी पसंद नहीं है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ। इन तीनों रास्तों पर जब भी तुम चलोगे तो याद रखना, तुम्हें जिंदगी में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके डैड, आज के बाद मैं अपना हर कदम आपकी सलाह से ही उठाऊंगा। आई नो। भाई साहब। कौन है रे? पाय लागो। मुंह देखे बिना मैं किसी को आशीर्वाद नहीं देता गधे। अरे तुम तो एकदम ब्रजेश्वर जैसे हो। ब्रजेश्वर ही हूँ। ब्रजेश्वर घर पर नहीं है, वो गया हुआ है। साक्षात ब्रजेश्वर ही हूँ भाई साहब। अरे पापी है? ये कौन सा नया रूप है? अपनी उम्र को थोड़ा रिवर्स कर लिया है। रिवर्स कर लिया? ये क्या कह रहे हो? 55 साल की उम्र तक मैं पक्का ब्रह्मचारी रहा हूँ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान को ये मंजूर नहीं था, शादी ब्याह नहीं करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा बुजुर्गों का कहना है, इसलिए मैंने घर बसा लिया है। क्या घर बसा लिया इस उम्र में? हाँ तो गलत क्या है,
इस युग में 13 साल के बच्चे सीटी बजा सकते हैं, तो 55 साल की उम्र में मैंने घर बसा लिया तो क्या गलत किया आप ही बताइए। तूने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? टाइम ही नहीं मिला भाई साहब। ओहो, तो लव मैरिज की है? नहीं नहीं, पेपर हाँ। में वर चाहिए ऐसा एक एड आया था। अच्छा। किस्मत आजमाने के लिए मैंने एप्लीकेशन डाल दिया, उसका जवाब मुझे तुरंत मिल गया, रिजल्ट आपके सामने है। ओहो, तो कहीं ये शादी भी पोस्ट से तो नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, वो तो रीति रिवाज के साथ हुई। मंगलसूत्र बांधते समय मैंने उसका चेहरा भी देख लिया। लड़की कैसी है? वो आपके लायक है ना? मुझसे छोटी है। धर्म कर्म करने वाले अच्छे परिवार से है। क्या है, जवान होने के बाद भी उसका कहीं रिश्ता नहीं जुड़ रहा था। इससे तंग आकर वो कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। मैंने उसे अपना कर नया जीवन दिया है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? दोनों एक ही बात है। वो कैसे? खुशी करना और तेरे साथ शादी करना, यानी दोनों सही नहीं है क्या? क्यों जी, ये कौन बकर बकर किए जा रहा है घर में घुसकर? तुमने पहचाना नहीं? ये घर का ही आदमी है। कौन है? बिरजू, बिरजू जी से कहकर आप बुलाती थी, वही ब्रजेश्वर। हे भगवान। पापा वो बात अब बता देना वरना मम्मी शुरू हो जाएगी। मैंने आज तक कोई बात छुपा कर नहीं रखी है। राधा तुम्हें तो ये बात पता है ना? वो क्या जी? हमारे ब्रजेश्वर ने शादी कर ली है। अरे बाप रे! ये क्या बहन, शादी करके खुशी खुशी आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया था, आप लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? भाई साहब कम से कम आप तो मेरे लिए कुछ अच्छा बोल दीजिए। मेरे हाथ में क्या है, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है, समझ गए ना? सुनो एक काम करो, आज ही पेपर में एक और ऐड दे दो कि एक लड़की चाहिए, मिल गई तो मैं भी शादी कर लूंगा। तो देख लीजिए ना। बिरजू, इंटरवल के बाद तेरी लाइफ नए सिरे से शुरू हुई है, कैसी रही सुहागरात? बाप रे, इस तरह पेट पर मत मारिए, अभी अभी शादी हुई है, कहीं बाप नहीं बन पाया तो। ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम श्री ओम नमः, ओम भगवताय नमः, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम नमः। ताली दो। माते, दीर्घ सुमंगली भवा, भगवान मुझे भी दीर्घ आयु दो। चरणामृत उठाओ। चलो ये सबको दे दो। ये पूजा करके बहन के हाथों से प्रसाद ले लो तो बड़ा पुण्य मिलता है, ना दवा चाहिए और ना ही डॉक्टर। मेरे हाथों में क्या है, सब माता की कृपा है और भगवान के हाथों में पुण्य है। आप दोनों तो देव पुरुष है। पूजा से फल प्राप्ति के लिए एक गुण चाहिए, वो भी नारी गुण, भाग्यवान का जन्म, भगवान का वरदान, दोनों मिलकर ये बना होगा, ये हमें क्या पता। प्रसाद खाओ। इनके पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जा रहे थे, सोचा वहाँ जाने से पहले आपके यहाँ से प्रसाद ले ले तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी घरवाली ने तुम्हें प्रसाद दिया ना? दिया है। सारे रोगों का निवारण हो जाएगा। और बेटा छोटे, तेरा ऑपरेशन है ना? हाँ। बीमारी की वजह से दो बार फेल हो चुका है, तीसरी बार एग्जाम देने जा रहा है, आपका आशीर्वाद चाहिए पंडित जी। उसकी राशि? मेष पंडित जी। रामचंद्र जी की राशि है, 14 सालों तक इसके जीवन में रामचंद्र जी की तरह संघर्ष रहेगा। पंडित जी क्या है बेटा, हमें प्रश्न पत्र मिल सकता है क्या? क्यों? वो मिल गया तो इस बार मैं जरूर पास हो जाऊंगा। दिखा देना जात, मेहनत करने के बजाय गलत बात सोच रहा है। तेरे जैसे लड़के रहेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। देखिए जी हमारे घर में कौन आया है। कौन है? देखिए ना। ओ, यंग कपल। अरे जाना भाई साहब के चरण छू के आशीर्वाद ले ले। सब मंगलमय हो, खा पी के मोटी तंदुरुस्त बनो और जल्दी से जल्दी एक बच्चे की माँ बनकर खुशी से जियो। क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे भाई साहब, 22 साल की उम्र में शादी होती तब तो ये मुमकिन था, 60 की उम्र में नामुमकिन है। शांति। ए जी, लड़की बहुत खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल, पकवान की तरह। मेरा मजाक उड़ाना नहीं छोड़ेंगे आप। मेरी आदत, मेरा आचरण यहाँ पे सबको पसंद है। क्या अपनी तारीफ कर रहा है, तारीफ तो हमें करनी चाहिए। सुनो बहन, ये एकदम बच्चे की तरह, अच्छी तरह देखभाल करना है इसकी, देखा? भाई साहब पहली बार एक सुहागन आपकी चौखट के अंदर आई है, यूं ही बात करके मत भिजवा देना। खास कांजीवरम की साड़ी और उसके साथ 1001 रुपया रख करके बहन जी से देने के लिए कहिए। अच्छा सुनिया, इसे कहीं बाहर घुमाने मत ले जाना, देखने वाले तेरी चोटी खींचेंगे। क्या भाई साहब आप खुद ऐसा कह रहे हैं? आप देखते जाइए मैं उसे बाहर ले जाकर दुनिया की चोटी कैसे खींचता हूँ। ये लो बेटा 500 रुपए हैं, बस हो जाएगी ना? अरे इतने पैसे क्या जरूरत है माँ? अरे तू रख लेना बेटा, ये ले
बिस्किट्स। कोर्ट में जाने के बाद जब भूख लगेगी तब इसे खा लेना। बाहर के खाने से तबीयत बिगड़ जाएगी ना बेटा, इसीलिए। ठीक है। और ये भी रख ले, जब भूख लगेगी तब इसे खा लेना। बाहर सिर्फ चाय कॉफी ही पी लेना। दादा डार्लिंग, कॉफी चाय मत पीना, दूध पीना, ऐसी वैसी फालतू चीजें मत खाना। तुम्हारी माँ का सख्त आदेश है, इसलिए ये बोतल भी लेकर जाओ और कोर्ट में इसे पीते रहना। लेडी फूल, अरे ये वकील है, जाता है तो जाने दो। जा रहा हूँ डैड। पैसा वैसा चाहिए है डैड? अपना ख्याल रखना। ठीक है। हाँ चलो चलो। रवि तू अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ हाँ। बाहर से चाय और कॉफी ही पी लेना, ठीक है? और कुछ भी चाहिए तो फोन कर देना। हाँ? ओके ओके, वो फोन कर देगा बाबा। देर हो रही है, तुम भी कोर्ट पहुँचो। हाँ ख्याल रखना। हाँ? ये क्या तुम चुप बैठो, मैं ही खाया जा रहा हूँ। हाँ? आप भले ही मुनीम हो लेकिन किसी से भी कम नहीं है आप। आपकी भक्ति और आपकी आराधना में शक्ति है। आपने अपनी पत्नी को भी कई गुण सिखाए हैं। मेरे पूर्वज भी आचार विचार वाले थे। हमारी फैमिली में मेरी वाइफ भी मुझसे ज्यादा गुणवती है। हजारों यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त किए हुए खानदान में से है। आई एम करेक्ट? भैया आ गए। आइए भैया। नमस्ते नमस्ते, आइए। बड़ी लंबी उम्र है। ये हैं मेरे सबसे बड़े साले साहब रामनाथ जी, बहुत बड़े पंडित हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरी तारीफ किए जा रहे हैं आप? भला आप भी तो कुछ कम नहीं है, आचार विचारों के धनी है। तो फिर मैं चलूं? चलता हुआ। चलिए चलिए चलिए। सुनिए जी, बाल बहुत बढ़ गए हैं, जरा कटवा लूं क्या? ये क्या कह रही हो बहन, ये क्या? तुम टेंशन मत लो, पहले बैठो मैं बताता हूँ। आज का लड़का कौन है लड़की कौन है कुछ पता नहीं चलता। लड़कियों को बाल कटवाने का शौक पैदा हो गया है, वही देखकर इसने आपसे बोल दिया होगा। आज के दिन नहीं लेकिन, क्योंकि आज नाग पंचमी की तृतीया है, कुछ लोगों का मुंडन होने जा रहा है, तो सोचा वो भी देख लूंगा और आप लोगों से मिल भी लूंगा। ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। गाँव में सब ठीक है ना? चिट्ठी आती जाती रहती है ना? गाँव में सब खैरियत है। अरे ये क्या है, ना कोई बोतल ना कोई सोडा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपने पीना बंद कर दिया क्या? क्यों, क्या बात है, बहन ने लगाम लगा दी क्या? आसानी से नहीं पीने देती क्या? पक्की पतिव्रता है, मुझसे भी दो कदम आगे है, समझ गया ना? दो कदम आगे, इसीलिए आजकल मैंने अपने आप को 50-50 में बांट दिया है। चलने दो चलने दो। हेलो, हाँ ब्रजेश्वर स्पीकिंग, आप कौन बोल रही हैं? उमा। अच्छा आपको क्या चाहिए? आप कौन बोल रहे हैं? मैं पीए हूँ। पीए मतलब? पीए मतलब पर्सनल एडवाइजर। मुझे उनसे बात करना है। किससे? रवि से। उनसे आराम से बात करनी है क्या? ये नहीं चलेगा, मैं उन्हें फोन पर नहीं बुला सकता, वो बहुत बड़े आदमी हैं। इस तरह बात करके तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। कौन अंकल? अरे कोई उपमा है। नहीं उमा, तुमसे बात करना चाहती है। मेरी बेइज्जती करके कोई तुमसे बात कर सकता है क्या? ठीक है लाइए। जरा चार सुनाओ तो। हाय उमा। हाय उमा, शुरुआत हाय से हो रही है। फिर तुम्हारा पीए कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। ऐसा क्या, समझा दूंगा मैं। हाँ तो फिर हम कल शाम को 6 बजे मिल रहे हैं ना? ओके बाय। ओके। मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट केस है, ये तो इवनिंग केस है। तो घर में या पार्क में इस केस को ओपन करूं या ढक के रखूं? अंकल आप ये फिलहाल मुझ पर छोड़ दिए, जब मैं आपसे कहूं तब आप मम्मी पापा को बताना। और हाँ बताना ऐसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि खाने में सालन मिलाया जाता है बड़े प्यार से। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। अभी तो उमा है, आगे कोई और भी आने वाली है क्या छोटे? ठीक है मैं तेरे साथ हूँ। छोटे प्यार है क्या? हाँ जी। लड़की गुणवंती है। अरे तुम जस्टिस गोपीनाथ के बेटे हो ना? हाँ जी। शादी कब कर रहे हो? अभी तय नहीं है। तुम फिक्र मत करो, रिश्ता तय करके मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। लगे रहो। लगे रहो। ये जगह सही नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। आओ। हेलो, मैं ब्रजेश्वर बोल रहा हूँ। अच्छा तो उनसे बात करनी है क्या? ठीक है नंबर दे देता हूँ और आते ही फोन करने के लिए कहूँगा, तुम बेफिक्र रहो। हा? अरे 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 क्या बके जा रहे हो, मैं राधा बोल रही हूँ। अरे अरे बहन जी बोल रही हैं। हेलो बहन जी, कैसी हैं? सब ठीक है ना? भाई सब कोर्ट गए हैं क्या? बाकी सब कैसे हैं? उनसे कहिएगा अपना ख्याल रखें। उतना ही नहीं, उनसे कहिए कि आपका भी ख्याल रखें। हाँ हम सब ठीक है। रवि कैसा है? रवि, अरे बहन उसे तो मैं अपनी आँखों का तारा बनाकर रख रहा हूँ। वैसे आजकल रवि। हेलो हेलो, असली बात बताने जा रहा था कि फोन कट हो गया, ये सब फोन ऑपरेटर की गलती है। हेलो। क्या बात है, मेरे आते ही फोन रख दिया। बेटे से बात हो गई क्या? फोन बीच में ही कट हो गया, वो घर पर नहीं है, ब्रिजेश से बात हुई। क्या कहा? कुछ खास नहीं, सब अच्छे हैं। आपका खाना लगा दो। मुझे भूख नहीं, एक कप कॉफी पिला दो।
क्यों जी, दो दिनों से आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं। आपका चेहरा देखिए कैसे उतर गया है। हम लोग गांव में होते तो कम से कम डॉक्टर को दिखा सकते थे। ऐसा मुझे क्या हो गया? इससे ज्यादा और क्या होना है, देखने से ही लगता है आप बीमार हो। अरे भगवान, तुम्हारी अपने बेटे से बात नहीं हो पाई तो तुम मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रही हो? तुम्हें गाँव ही चलना है ना, तो छुट्टी लेकर चलते हैं। सच? अरे क्या हो गया ऐसे? छोटे, तुम्हें एक बात बताऊं क्या, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। ये बात अब बता रहे हैं आप मुझे? भूल गया था, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी प्रेम कहानी 6 बजे वाली बात कहने जा रहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि फोन की लाइन कट गई। हैं? देखिए चाचा, अगर दोबारा आपने ऐसी भूल की तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। खैर छोड़िए, मेरे आने तक आप यहीं पर रहिए, मुझे किसी से अर्जेंट मिलने जाना है। जब मैं वापस लौट कर आ जाऊं तभी आप यहां से जाइएगा। ये तो मेरा रोज का काम है, अपना सारा काम छोड़कर यहां की बस रखवाली करता रहूं और दिन रात यहां की फाइलों में उलझा रहूं। आइए आइए। अंकल नहीं है? ऑफिस से आए नहीं अब तक। उन्होंने तो मुझे यहां भेजा। उमा, ये है अपने अंकल की वाइफ। नमस्ते। ये कौन है? उमा मेरी दोस्त है। आइए आइए बैठिए। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। ठीक है। रवि, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जरा धीरे बोलो। तुम्हें पता है मैं अंकल को ऑफिस में बैठा कर बहाना बना के तुम्हें यहाँ लाया हूँ? वो आ रही है। तुम लोग बैठकर बात करो, मुझे कुछ काम है। अरे रवि, वो दरवाजा बंद करके क्यों चली गई? वो इसलिए ताकि हम लोग कुछ देर तन्हा रह सके। जी हाँ, उसके लिए यहाँ क्यों लाए? तुम्हारे पिताजी हमारे दुश्मन है ना, इसलिए किसी पार्क या होटल में बैठकर बात करना ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये देखो, टेबल पर कॉफी है और हम भी सेफ हैं। किस लिए? किस लिए? इसलिए। मैं आ गई हूँ, ये उसे फोन करके बताया था ना? बता दिया बहन, उसने कहा थोड़ा काम है, निपटा के आता हूँ। माँ लो, आ गया। 100 साल उम्र है इसकी, वही गए थे ना तुम। कितना कमजोर हो गया है, ठीक से खाता पीता भी नहीं है, दिन रात कोर्ट केस में उलझा रहता है। तेरे कमाई से हमारा घर चलता है क्या? क्या बात कर रही है माँ, आपको गांव गए सिर्फ 10 दिन हुए और आप तो ऐसे बोल रही जैसे आपको मुझे देखे बरसों हो गए हो। छोटे, माँ अपने बच्चे को अगर एक दिन ना देखे तो एक युग जैसा होता है, और तुम पर तो तुम्हारी माँ की जान अटकी हुई है। बहन, तुमने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है तो मेरा दिल बाग बाग हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। मेरे शरीर में थोड़ा सा खून बढ़ गया, ये जो भी कहता है मैं उसे पूरी करता हूँ, यहाँ तक कि उमा आप बिल्कुल फिक्र मत कर रहे हैं। अंकल तो बस यूं ही। जाने दो ना बेटा। बेटा रवि, कोर्ट में डरे बिना तू वकालत कर लेता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे जोश के साथ। इनके दलीलों की मैं क्या तारीफ करूं? वही वही, कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे पछाड़ना चाहिए, वही सब। तो पछाड़ना? बहन, अपने क्लाइंट के सपोर्ट में अपोजिशन पार्टी को कैसे पछाड़ना चाहिए, मेरा मतलब ये था। करेक्ट ना? माँ, अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए इन्हें आराम की जरूरत है, तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना इन्हें पेंशन देकर घर भेज दूँ। छोटे, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो चलती ट्रेन में पैदा हुआ था। ये बेल क्यों बंद है? ओहो, दरवाजा भी बंद है। कहाँ गई होगी? बाजार गई होगी, वो भी जरूरी है। खैर, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी तो है। आप कब आए अंकल? तुम दोनों गरम गरम पी रहे थे तभी मैं आया उसी वक्त। बुढ़ापा आ गया, इस तरह जवान बच्चों को देखते हो शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी, मैं भी तो वही करता हूँ, लेकिन वो तुम मेरे घर में कर रहे हो तो आऊंगा, देखूंगा, डांटूंगा, ये मेरा राइट है। अब देखेंगे। बिल्कुल देखूंगा। देखो छोटे, तुम मुझे केस में उलझा कर यहाँ पे ये केस लड़ रहे हो, वैसे ये लड़की कौन है? यही है वो फोन वाली। ओहो, तो वही फोन वाली। हेलो अंकल। मुझसे भी बड़े तुम्हारे लिए एक अंकल है, उन्हें नोटिस देता हूँ, वो तुम्हें संबंध करेंगे, फिर ताता थैया का। आप रुक जाइए, टाइम पास का एप्लीकेशन मैं खुद अब डैडी को देने जा रहा हूं। ये शुभ काम तुम अभी करो। ये क्या जी, आप इन्हें यहाँ भेजकर खुद कहाँ चले गए थे? अरे बाप रे, क्या इनको यहाँ आने के लिए मैंने कहा था? ओहो, गोपीनाथ जी के तुम असली बेटे हो। हम लोगों को तो आपने देख लिया ना, अब आप भी शुरू हो जाओ, ठीक है? चाची, इन्हें संभालो, आओ चलो। दरवाजा बंद कर रहा हूँ। ए जी, उनकी जोड़ी कितनी अच्छी है ना? हम लोग कम है क्या? लड़की लक्ष्मी जैसी है। वो तो सिर्फ लक्ष्मी है।
तुम तो महालक्ष्मी हो। माँ माँ वो आई है। कहाँ है? बाहर है। अंदर बुलाओ। ठीक है। ये मेरी माँ। नमस्ते माँ जी, बैठो। माँ ये तो डर के मारे आ ही नहीं रही थी। मैंने कहा मेरी माँ बहुत अच्छी है तब आई है। ए, खड़ी क्या हो, मेरी तरह बैठ जाओ ना। रवि तू जरा बाहर जाएगा? मैं? हाँ तू, और दरवाजा बंद कर लेना। माँ दरवाजा बंद नहीं किया तो। जिस चीज से इंसान को डरना चाहिए वो तो तुम ये आसानी से कर गई। तुम्हारा नाम क्या है? उमा। रवि को तुम कब से जानती हो? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, वो मुझसे 2 साल सीनियर हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये गलत कर रही हो? एक लड़का लड़की का अच्छे दोस्त बनना क्या कोई गलत बात है माँ जी? वो तो मुझे पता नहीं, एक दूसरे के संग घूम रहे हो, क्या ये सही है? मान लो तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर देंगे तब क्या होगा? तब ये गलत नहीं होगा? जिस लड़की को हम जानते ही नहीं वो मेरे बेटे से प्यार करती है, कह रही है मैं उससे शादी करूंगी, और इस बात को मैं कैसे मानूं? मेरे बेटे के भविष्य के बारे में अगर मैं सोच सकती हूँ तो क्या तेरे घर वालों को तेरी फिक्र नहीं है? मेरे घर में मेरी फिक्र किसी को नहीं है। तेरी फिक्र नहीं है तो कोई वजह तो होगी, बड़े घर का लड़का है, ढेर सारी धन दौलत है, ये सोच कर फंसाया? नहीं, मेरे पिता भी दौलतमंद है और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मैंने आपके बेटे से प्यार किया और उनसे शादी करना चाहती हूँ, इसकी वजह आप हैं। मैं हूँ? जी हाँ, आपका बेटा आपके बारे में, अपने पिता के बारे में दिन रात तारीफ करता है। मैंने तो अपनी माँ की सूरत तक नहीं देखी है। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ दुनिया से चल बसी। रवि को अपना कर उसकी माँ से मुझे अपनी माँ का प्यार मिल जाएगा, इसी उम्मीद से मैंने ये कदम उठाया है। लेकिन आपने मुझे गलत समझ लिया, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है माँ जी। माँ रो मत बेटी, मैं तो यूं ही तेरा इम्तिहान ले रही थी। तुम तो किस्मत वाली लड़की हो, तुम दोनों के प्यार को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। रवि। जी आया माँ। उमा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जानता था तुम यही कहोगी, मैं जानता था, इसलिए मैं इसे अकेले छोड़कर बाहर चला गया था। वक्त देखकर मैं खुद ही तेरे पापा से बात करूंगी। जल्दी करना माँ। अब जा और एक कॉफी लेकर आ। किसके लिए? उमा के लिए। मैं लाऊं? हाँ। इसके लिए? हाँ। रहने दो माँ, मैं मर्द हूँ मर्द। वो मुझे पता है, सेवा तो तुझे करनी पड़ेगी। अब तू जा। नहीं। ये पैतरे तो अपने बाप को दिखाना, जा। ठीक है। लीजिए जी। क्या बात है? दूध पीजिए ना। ये किस खुशी में? क्यों जी, जवानी याद आ रही है क्या? आपको नहीं आ रही है क्या? तो फिर से जवान बन जाते हैं। मारो मत, हमारी उम्र हो गई है। किसने कहा आप बूढ़े हो गए हैं? जवान बेटे की शादी करवाने वाली उम्र तो हो ही गई है। पहले तो हमारा अपना बच्चा नहीं था, रवि को गोद लेने के बाद हमारी किस्मत बदल गई। अब उसकी किस्मत बदलने के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए? परेशान क्यों होती हो? एक काम करो, तुम कल ही अपने बेटे की शादी करवा दो, 1 साल पूरा होते होते तुम्हें दादी बना देगा। तुम्हारा बेटा बहुत फास्ट है। आप भी ना। कहाँ ना दर्द होता है। सॉरी जी, अब बच्चे का घर बसाना चाहते हो, मेरे ख्याल से अच्छी बात है। लड़की देखने की जरूरत नहीं है, वो काम उसने खुद कर लिया है। शादी की तारीख पक्की कर ले। किसकी? हमारे रवि की जी, अभी तो आपने कहा ना। बेटे की प्यारी माँ और घर की रानी, इसी बात के लिए इतना मस्का लगा रही हो? राधा, रवि के लिए जो करना चाहती हो करो, अगर शादी का इंतजाम करना है तो मुझे एतराज नहीं है, लेकिन उसकी शादी में पिता का होना जरूरी है। शादी को देखकर उसके पिता खुश होंगे, उनसे बढ़कर हमारी खुशी नहीं है। और एक बात, ये सच्चाई सारे गाँव वालों को पता चल जानी चाहिए। नहीं जी। गुड नाइट राधा।
भाई साहब कौन है आप? मैं हूँ आप ही के ससुराल के गांव का, आपके साली जी के साथ यहाँ पर आया था। उन्हें तेज बुखार है इसीलिए वो नहीं आ सके, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अच्छा ठीक है, आप बैठिए मैं उसे बुलाता हूँ। ठीक है। अरे महालक्ष्मी। कौन आया है जी? तुम्हारे मायके से कोई आया हुआ है, जरा उन्हें चाय वाय पिला दो, खाना वाना खिला देना। अरे भांजी तुम। अरे छोटी मामा आप? अरे ये तो कमाल हो गया, तुम यहाँ कैसे? हाँ मैं यहाँ। तेरे भाई ने तो तेरी शादी गांव में करवाई, लेकिन तू यहाँ शहर में कब चली आई? मैं कहाँ आना चाहती थी। मेरे भाई ने चुपके से 5,000 रुपया इन्हें देकर मुझे इनके साथ भिजवा दिया, और मेरे पति को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जानते हैं? ये चालाकी उसने अंदर ही अंदर चली है। भाई वो कौन है? वो भी वही है, मेरी भांजी है, वो तुम्हारी बीवी है। सुनो तुम आ, आ, तुम उसने बताया मुझे। हाँ मैं हूँ। अब क्या होगा? पर मैं आपकी हो चुकी हूँ। भगवान ये मुझसे क्या हो गया, बिना जाने समझे मैंने ये क्या कर दिया। आप दुखी मत होइए जी, मैं ही अपने मामा के साथ चली जाती हूँ। अरे बाप रे, फिर तो और मुसीबत आ जाएगी, गांव में लोगों को पता चलेगा तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तुम यहीं रुको, भाई जरा इधर आओ, अंदर आओ। मेरा अंदर आना ठीक नहीं। अरे अब क्या ठीक क्या गलत, पहले तुम अंदर तो आओ। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? गलत मत समझो, कुछ बात करनी है तुमसे, आओ। वो पैसे कहाँ है? सब निकाल कर दो मुझे, पूरे नहीं चाहिए, 100 रुपए बहुत हैं, बाकी रख लो। सुनो ये तुम रख लो। 100 रुपए आप लेकिन मुझे क्यों दे रहे हैं? वो क्या है ना, अब तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, जो भी बस मिले पकड़ के तुरंत अपने गांव चले जाना, और दोबारा इस गांव में भूल कर भी मत आना। मैं यहाँ पर नागपंचमी के त्योहार में मुंडन करने के लिए आया था, उसी बहाने अपनी भांजी का हाल चाल लेने आया। दोबारा मत आना, देखो तुम्हारी भांजी की किस्मत अब मैं लिखूंगा। ठीक है 100 रुपए और दे दो। अरे 100 रुपए दे दिए, इनसे तेरा पेट नहीं भरा क्या? अभी तू बकवास मत कर, जा 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 जा। बेटा अपने मर्द को बड़े प्यार से रखना, लड़ना मत, इन्हें शुद्ध कर देना। नहाने के लिए पानी रख दूं? तुम्हें मेरे नहाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नहाऊं या ना नहाऊं ये मेरी मर्जी। चलो हटो 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 हटो। भाई साहब भाई साहब इस चप्पल से मुझे मारिए, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। आपके चप्पल से मार खाने के बाद ही मुझे अकल आएगी, जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था वो मेरे साथ हो गया, मैं क्या करूं? ओ शट अप, क्यों घर में कोई झगड़ा हुआ है क्या? जी नहीं। तो वो कुछ गलत कर बैठी क्या? अरे बाप रे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मेरी घर वाली है ना, मेरी घर वाली है ना, मेरी घर वाली है ना। अरे क्या हुआ उसे? वो राधा, बहन को नहीं, बहन को नहीं बुलाइए, जल्दी आओ यहाँ, नहीं बुलाइए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या है जी? अच्छा तुम्हें एक बात पता है? लेकिन ये रो क्यों रहा है? आपने उसे मारा? मैं क्यों मारूंगा? तो इसकी वाइफ है ना, इसकी वाइफ है ना, तुमने क्या बताया था? हे भगवान, ये क्या है भगवान, ऐसा क्या हो गया? ए चुप रहो, वो भी एक औरत है, उसके शरीर में भी हमारी तुम्हारी तरह खूनी तो बहता है ना। आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से उसके बारे में उल्टी सीधी बात निकली ना, तो 6 साल के लिए अंदर कर दूंगा, समझा? जो होना था वो हो गया, लड़की अच्छी है, खूबसूरत भी है, उसके साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। चलो अब शांति रखो, कुछ दिन बीत जाने दो, मैं खुद गवर्नमेंट से रिकमेंड करके तुम्हें गोल्ड मेडल दिलवा दूंगा। गोल्ड मेडल? हाँ। मुझे गोल्ड मेडल, मुझे गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। अरे बाप रे, क्या हुआ जी? मैं कुछ मदद कर दूं क्या?
इधर आई तो तेरी टांग काट दूंगा। तू चुपचाप बैठी रह, कोई काम मत कर, तुझे मैं ही बना के खिलाऊंगा। आओ सजना, आओ सजना, आओ आकर मुझे गले लगाओ। दिल मत जला, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। आओ सजना, मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, इस तरह ना देखो। तुझे क्या देख रहा हूँ? आओ सजना, आओ सजना। तू बैठ के गाती रह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम धाम करना नहीं है, बस गोटियाँ खेलनी है। जीजा जी, ओ जीजा जी। कौन पुकार रहा है मुझे? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं इसे अभी यहाँ से भगाता हूँ। ए हाथ हटा, हाथ हटा। नहीं हटाएगी तो कूद के चला जाऊंगा। क्यों साले साहब, कब आए आप? अभी आया बस। दारूबाज कहीं के? करंट वाला झटका क्यों दे रहे हैं आप, बताइए ना। धोखेबाज कहीं के? पैसा लेकर लड़की बेचने वाले, 5,000 मुझसे लिए और 5,000 उससे लेकर लड़की मुझे दे दी, वो भी शराबी की लड़की, और मैं सन्यासी आदमी। वो तो मैं बताने वाला ही था। कैसे है भैया? कैसे हो भैया, ये तेरे खानदान का है क्या? ए, अंदर जा, नहीं तो एक एक को पीटूंगा। सुनो, पता है वो जमाना चला गया, अब ये नया जमाना है। बिना किसी वजह से अगर मेरी बहन को सताए ना तो 7 साल के लिए अंदर करवा दूंगा मैं। हाँ। जज गोपीनाथ के मुनीम को धमकी देता है तू? रवि, इतना क्यों जागता है? तबीयत बिगड़ जाएगी ना। कुछ देर और माँ। क्या बात है बेटा? एक खास केस है डैडी। क्या है? एक गांव की गरीब लड़की को उसी गांव के गुंडे ने किडनैप कर लिया है और रोज उसकी इज्जत लूटता है। उस गुंडे का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं देता। बहुत पेचीदा केस है डैडी, गवाह नहीं होने की वजह से वो छूट जाएगा। सिविल कोर्ट से ये केस खारिज हो गया है और अब सेशन कोर्ट में आया है। ये तेरा पहला केस है? नहीं डैडी, वैसे मेरे पास कई केसेस हैं, हर कोई बच निकलता है, लेकिन ये केस मुझे जीतना ही है। ऐसे शैतानों को माफ नहीं करना चाहिए। समझ में नहीं आता तो इसे बंद कर दे, लेकिन अभी सो जा, कल मैं तुझे समझा दूंगा। ठीक है डैडी। देख, तेरी वजह से तेरी माँ भी जाग रही है। आप मेरे लिए अपनी नींद क्यों खराब करेंगे? फूल तो क्या, वो मेरे लिए जागेगी, जा। अरे तू क्या मुझसे बॉक्सिंग करना चाहती है? दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अरे दर्द हो रहा है बहन जी, बहुत दर्द हो रहा है बहन जी, दर्द हो रहा है। अरे क्या हो गया? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? प्रसाद है तो दे दो, प्रसाद है तो दे दो, अपना हाथ दो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों से नहीं चाहिए, बहन जी के हाथों से ही देने के लिए कहो। बहन जी के हाथों पे विश्वास है मुझे। मेरे हाथों से लेने में क्या तकलीफ है? नहीं भाई साहब, आप बहन जी को ही बुलाओ, बहन जी को बुलाओ, बहन जी को बुलाओ। अरे सुनो, क्या है जी, आपने बुलाया क्या? अरे मर गया, धक्के क्यों मार रही है तू मुझे? एक मरीज आया हुआ है, वो कहता है कि तुम्हारे हाथों से प्रसाद लेगा। ये ले, 35 सालों की मेरी तपस्या बर्बाद हो गई। अब कुछ जाके आराम मिला, थोड़ा और प्रसाद दे दो। अब सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। इसीलिए अंग्रेजों ने कहा है कि पागलों से मिलना है तो इंडिया जाओ। ये लो स्वामी, पीछे हट, इसे ले जाके पेड़ के पास रख दे, मैं वहीं से ले लूंगा। दूध पीने के लिए देती हूँ फिर भी नखरे। अरे बाप रे, इसके साथ में एक भी दिन नहीं रह सकता। कुएं में छलांग लगा दूं क्या? क्या? अरे देख क्या रही है, अंदर जाना। अरे जाना, मेरे सामने क्यों आ रही है? अरे तू जा, 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 अंदर जा। जब तक ये रहेगी मैं अपना आचार विचार शुद्ध नहीं रख सकता। दिल जलता है तो जल दे, आंसू ना बहा। गलती मुझसे हुई है, मुझे पता नहीं है क्या, और ऊपर से सलाह देने के लिए तुम भी शुरू हो गए। चुप रहो, मुझे ही खुजली हुई थी, शिकायत किससे करने जाऊं, भुगतना तो पड़ेगा ही। भगवान तू ही रक्षा कर। सोफे पर सोऊंगा तो मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी, साधु की तरह जमीन पर लेटूंगा तभी मुझे नींद आएगी। सो जाता हूं। आ! क्यों झटका लगा क्या? हाँ और नहीं तो क्या, आपने छुआ क्यों? छू लिया तो अपवित्र हो गए क्या? अब फिर से नहाकर पूजा करनी पड़ेगी मुझे। हे, इतनी आस्था मत रख, भगवान को बुरा नहीं लगेगा, जो प्यार करता है
वो कभी भी कहीं भी हाथ रख सकता है। मैं काम पर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, ठीक है? लगता है स्वर्ग में खो गया था, इतना सुकून मिल रहा है, खुशियां ही खुशियां हैं। तुम स्वामी, हम दो ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं, आप तो जानते ही हैं। मेरे साथ जो हुआ अगर भगवान के साथ होता तो पता चलता, उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन भुगत कौन रहा है? मैं ना। स्वामी, आप मुझे अपना नहीं सकते हैं क्या? इस जन्म में तो नहीं। मेरा कहना मान लो रवि, इस केस से पीछे हट जाओ प्लीज। क्या बात है, शादी होने से पहले ही हुक्म चलाना और हक जताना शुरू कर दिया? ये बात नहीं है रवि, जिसके खिलाफ तुम मुकदमा लड़ रहे हो वो बहुत पहुंचा हुआ है, पैसों से भी और राजनीति से भी, तुम्हें वो कभी जीतने नहीं देगा। मुझे डरा रही हो? एक अबला को अगर मैंने इंसाफ दिला दिया तो मेरी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी पता है? सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं है, सबूत भी चाहिए। वो दुश्मन और कोई नहीं, मेरे पिता है। ओह, अब समझा, तो अपने बाप की वकालत करने यहाँ आई हो? हा? मैं उनके लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने लिए आई हूँ, अपने प्यार की खातिर आई हूँ। देखिए मोहतरमा, मेरे काम में टांग मत अड़ाइए प्लीज। रवि, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, चाहे कोई भी मेरे पैरों में आकर गिर जाए फिर भी मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला। अगर मैं तेरे पैरों में गिरूंगी तो तू क्या करेगा? माँ, उमा की बातें सुनने के बाद मैं तेरे फैसले से खुश नहीं हूँ, भले ही तू वकालत छोड़ क्यों न दे, लेकिन मेरी आंखों के सामने रहना। क्या माँ, तुम भी इसकी बात में आ गई? और लोगों की तरह मैंने तुम्हें नहीं पाला पोसा है, कितने दुख उठाए हैं मैंने, तेरे लिए कैसे कैसे तूफानों का सामना किया है, इन सब की लंबी कहानी है। क्या कह रही हो माँ, मुझे कोर्ट में जाकर केस लड़ना और आप भी क्या लेकर बैठ गई हो? रवि, क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फिक्र नहीं है? बेटा, तू ये केस नहीं लड़ेगा, उमा के पिता अपनी सजा खुद भुगतेंगे, लेकिन तेरे हाथों से नहीं बेटा। ठीक है माँ, तुम कहते तो मैं नहीं जाऊंगा। उमा, माँ की वजह से आज तुम जीत गई। और इस तरह से शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। देखिए, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगा, चल अंदर। मुझे जाने दीजिए। मेरी बात सुन, चुपचाप देख मैं क्या करता हूँ। आचल, बैठ यहाँ पे। बिस्तर पवित्र रहे, तू पवित्र रहे, मैं पवित्र रहूँ, ये घर पवित्र रहे। ये सब तो ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे तू पवित्र हो गई, उसकी जरूरत नहीं है। अरे बत्ती क्यों बुझा रहे हैं? रवि। जी डैडी। जरा बैठो, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, इसे ठीक से पढ़ लो। तुम एक लॉयर होकर भी पता नहीं क्यों इतना परेशान हो रहे हो, कल इसी विषय पे तेरी आर्गुमेंट। हाँ डैडी। तो सब प्रिपेयर कर लिया? जी कर रहा हूँ। क्या कहा, कर रहा हूँ? कौन कर रहा है? मेरा जूनियर। और तू ऐसे ही चला जाएगा? तुम्हें अपने वकील होने पर कोई शक है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ डैडी। व्हाई? वो मैंने उसे रोका। किस लिए? जिस लड़की से रवि प्यार करता है वो आदमी उस बच्ची का बाप है। बेचारी बिन माँ की बच्ची मेरे पास आकर रो रही थी। ओहो, कौन है उसका बाप? विराटपुर का जमींदार। क्या? लेकिन मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना है, उसका नाम क्या है? नागनाथ। नागनाथ, नाग सांप, यही तुम्हारे लिए सही वक्त है। राधा, अब ये केस ये जरूर लड़ेगा, इसे हर हाल में नागनाथ को सजा दिलवानी होगी। और तुम्हें पता है ये नागनाथ कौन है? 25 साल पहले ये। आगे कुछ मत कहिए। क्यों? अभी तक उस औरत के लिए मैंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए डर रही हूँ। नहीं जी, हमारा बच्चा आज के बाद वकालत नहीं करेगा। ये सब क्या है, तुम कह रही हो लड़ो मत, डैडी कह रहे हैं लड़ो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, जज बन के शेर की तरह आज तक जीता आया हूँ, अब वकील बन के मरना पड़ेगा। नहीं जी, वो लड़की बेचारी। I don't care। लाओ गाउन दो,
डैडी। I said get me back my gown। ब्रजेश्वर ब्रजेश्वर, ओहो तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मेरी रानी तुम सज धज कर चलो। क्या बात है जी, आज बहुत खुश लग रहे हैं। अब मैं मॉडर्न बन गया हूँ। मॉडर्न का मतलब क्या होता है स्वामी? मैंने पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया है। मेरी आंखों पर जो अंधकार की पट्टी बंधी थी उसे उतार कर फेंक दिया, ये जानती हो क्या? ये तो टाई है। कल की अंधी, ये मेडल है मेडल। अरे जी मुझे छुइए मत। अरे भड़क क्यों रही है, वो परंपरावादी पंडित कहीं दूर चला गया। कम ऑन, आज के बाद इस घर में सिर्फ गांधीवाद चलेगा। तुम जैसी गरीब लड़की को मैंने अपना जीवन साथी बनाया, इस बात से खुश होकर जस्टिस गोपीनाथ ने मुझे मेडल दिलवाया है। आज के बाद से इस देश में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सभी को ईश्वर ने बनाया है, आत्मा एक है। बड़े समझदार हो गए हैं। कम 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 मेरी जान, कम 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 मेरी रोज, कम 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 मेरी डार्लिंग। गोपीनाथ हियर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जेलर सिल्वन बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो क्या बात है। आज से 20-21 साल पहले आप एक मुर्गन नाम के कैदी को ढूंढते हुए मेरे पास आए थे सर। यस, उसका क्या हुआ? वो कैदी अभी अभी मद्रास जेल से छूटा है। एड्रेस मैंने दे दिया है, वो आपके पास जरूर आएगा। मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा ना? मेरा एड्रेस तुमने उसे दिया ना? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। राधा 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 राधा। क्या हुआ? क्या हुआ जी? राधा आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ, ये बताइए क्या हुआ? वो मैं बताता हूँ, जो केस आप नहीं लड़ना चाहते थे आज वो केस रवि लड़ने जा रहा है। स्टूपिड, वो तो मामूली बात है। राधा कई वर्षों से मेरे सिर पे बहुत बड़ा एक बोझ था, लगता है वो बोझ उतर गया है। बात क्या है बताइए ना। अरे इतने सालों की जेल की सजा काटने के बाद रवि का बाप आज हमारे घर आने वाला है। वो यहाँ आने वाला है? हाँ, रवि को अपने साथ ले जाने आने वाला है। हसीए हसीए ना, मुझे माँ बनकर खुश रहते हुए आप देख नहीं सकते ना, इसलिए जी भर के हसीए। ये तुम क्या कह रही हो? रवि के इस घर से जाते ही इस घर में आपको मेरी लाश मिलेगी। आप चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। कीजिए। Shut up! भाई साहब शांत हो जाइए, इतने सालों तक जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। ऐसा सुनते ही माँ का कलेजा फटना स्वाभाविक है भाई साहब, इसे कोई नहीं रोक सकता भाई साहब, कोई नहीं। भाई तुम मुंह बंद रखो, तुम्हारे जैसे चमचे की जरूरत नहीं है। आप चमचा कहिए चाहे पागल कहिए, मैं सब कुछ सुनता आया हूँ, आगे भी आपकी बात सुनता रहूंगा, लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी। क्या बात है, कोई शर्त रखोगे क्या? बिल्कुल नहीं, रिक्वेस्ट है। आज आप अकेले की एक जिद की वजह से तीन जाने ना चली जाए, बस यही सोचकर मेरा दिल घबरा रहा है भाई साहब। मुझे डरा रहा है, मुझे डरा रहा है, जानता है मैं कौन हूँ? जस्टिस गोपीनाथ, बी केयरफुल। उस जस्टिस की शान को बरकरार रखना है तो मेरी बात मान लीजिए, जरा गौर से सुनिए। बहन जी रवि को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं, और रवि भी इन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करता है, और इन दोनों को उमा भगवान समझती हैं। ये तीनों एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं भाई साहब। ओहो तुम लोग मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हो? अभी रवि का बाप लेने आएगा तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, एक छोटा सा झूठ बोल दीजिए। व्हाट? मैं झूठ बोलूंगा? हाँ? इसमें गलत क्या है? कोर्ट में वकील इतने सारे झूठ बोलते हैं, वो सब सुनकर आप खामोश नहीं रहते हैं क्या? वो लोग झूठ बोलते हैं ये जानने के बाद भी उनके हक में आप फैसला नहीं सुनाते हैं क्या? जिस झूठ से किसी की जिंदगी बचती है वो झूठ नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। किसी की इज्जत बचाने के लिए, किसी का भला करने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। तो मैं क्या जवाब दूं उसे? अगर वो यहाँ आए तो उससे आप कहना कि तुम आओगे ये सोचकर मैंने 4 साल तक पाला, तुम नहीं आए इसलिए मैंने उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, उसके बाद मैं उसके बारे में नहीं जानता। बस मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? इस देश की पॉपुलेशन में आधे से ज्यादा लोग अनाथ हैं, फिर भी आपको परेशानी हो रही है, उसे आने दीजिए, मैं उससे बात करूंगा। मेरे बच्चे रवि को मेरे जीते जी मेरी आंखों के सामने दूर मत कीजिए, आप इनका कहना मान लीजिए। तुम्हें क्या लगता है झूठ बोलना बहुत आसान काम है? हम लोग तो मामूली लोग हैं, महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने भी तो झूठ बोला था कि अश्वत्थामा हतो हता, किस लिए? क्योंकि उससे धर्म की रक्षा हो रही थी। धर्म की रक्षा के लिए जब भगवान कृष्ण झूठ बोल सकते हैं तो आप तीन लोगों की जान बचाने के लिए झूठ क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई साहब? आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए जी, रवि के बिना आप जी सकते हैं क्या, बताइए ना।
जी। नमस्ते। हाँ। जज साहब अंदर हैं? हाँ अंदर हैं। भाई साहब वही है ना, 4 साल का वक्त दिया था, भूलिएगा नहीं। अश्वत्थामा हाथोहाथ याद रखिएगा, आ रहा है। साहब मैं मुर्गन हूँ साहब। हाँ हाँ ओ बैठो। नहीं साहब बैठो बैठो। हाँ मेरा बेटा साहब। हाँ रामू कॉफी लेकर आओ। 4 साल का समय समाप्त, अश्वत्थामा हतोहत। साहब मेरा बेटा। तुम बैठो मैं उसे बुलाता हूँ। एजी नहीं बोला जाएगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। अब क्या कह रहे हैं साहब? हाँ मैं तुमसे पहले ही मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पाया, इसलिए मैं उसे एक नजर देख सकता हूँ। तुमने उसे बाहर नहीं देखा क्या? उसे देखा मैंने। हाँ वो उसके लंबे बाल और चेहरे पर मुझे नहीं देखा। अभी अभी जो कार से गया वो मेरा बेटा है। हाँ। मैं मेरे बच्चे को इतने अच्छे ढंग से आपने पाला, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझ जैसे गरीब के बच्चे को आपने करोड़पति के बच्चे की तरह पाला है, मैं उसे कैसे ले जा सकता हूँ साहब? अरे ऐसी बातें मत करो भाई साहब, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आगे चलकर बहुत बड़ा जज बनने वाला है। हाँ? देखना बहुत सारा पैसा कमाएगा और तुम्हें राजा की जिंदगी देगा। नहीं साहब, जिसे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती उसका बेटा इतना बड़ा वकील, वो मुझे बाप कह के कैसे बुलाएगा? उसके लिए ये जिम्मेदार है रास्कल। भाई मुरुगन हमारा कोई बच्चा नहीं है भाई, हम बे औलाद हैं, इसलिए तेरे बेटे को अपनी औलाद से बढ़कर पाला है मेरी बीवी ने। दिन रात एक करके इसने बच्चे को एक मुकाम पर पहुंचाया है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। सिर्फ एक ही गलती हो गई हमसे कि उसे उसके बाप का नाम नहीं बताया है हमने। भाई साहब एक काम कर सकते हैं आप ना मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं धीरे धीरे उसे एक एक करके सारी बातें बताता चला जाऊंगा और फिर जब वो समझ जाएगा कि उसके माँ बाप कौन है तब आके आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं साहब, मैं यहाँ कभी कभार आकर दूर से अपने बच्चे को देखकर चला जाऊंगा, मैं बाहर कहीं भी अपना गुजारा कर लूंगा। साहब साहब आप मुझे अपने बच्चे को थोड़ा सा देखने की इजाजत देंगे ना साहब? हाँ ठीक है। आपके उसे सारी हकीकत बताने के बाद अगर वो चाहेगा तो मैं उसे आकर ले जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, चलता हूँ मालकिन। आपने अपनी जिद पूरी की ना, मेरे रवि को मेरे जिगर के टुकड़े को आपने अलग कर दिया ना, मैं मर भी जाऊं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुप हो जाओ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम अपनी जान के लिए इतनी परेशान क्यों हो? 25 साल के बाद वो हमारे दरवाजे पर अपनी औलाद को देखने के लिए आया, 25 साल के बाद उस पर क्या गुजर रही होगी? तुम जरा मेरी जगह पर आकर सोच कर देखो, मैंने उसके लिए जो भी फैसला किया है वो उसके लिए एकदम सही है। वो लड़का अगर अनाथ हो गया था तो उसकी वजह सिर्फ मेरा गलत फैसला था और उस गलत फैसले का प्रायश्चित मुझे करना था। मैं हर हाल में अपना फर्ज निभा कर रहूंगा, रवि को मैं उसके बाप को सौंप कर ही रहूंगा। ऐसा करके गेट आउट, खो
खुद कर। इनका ख्याल रखिएगा, अब मैं चलता हूं। ए जी, अब कैसा लग रहा है आपको? रामू, यहाँ क्या हुआ था? कोई आया था साहब। कौन भाई? जो मुझे बाहर गाड़ी के पास मिला था? हाँ साहब, वो कुछ बोल रहा था, तब मालिक और मालकिन में कुछ बातें हुई। उस वक्त मैंने एक चीख सुनी और मैंने जाकर देखा तो मालिक सीने पे हाथ रखकर तड़प रहे थे। छोटे मालिक, ओह, इतना सब कुछ हो गया यहाँ पर। अगर दोबारा वो आदमी आया तो उसे आने मत देना, गिरेबान पकड़ कर बाहर निकाल देना, समझ गए ना? ठीक है साहब। बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? कौन हो तुम? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं साहब से, तुम्हें देखते ही मेरे पिताजी को अटैक आ गया, बाहर निकलो। साहब को अटैक आ गया? मेरे भगवान को अटैक? फालतू की बकवास मत करो, जाओ यहाँ से, बाहर निकलो। रवि, डैडी आप नीचे क्यों आए? मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। घर आए मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करना तुम्हें शोभा देता है? हमने तुम्हें यही सिखाया? क्या यही है हमारी परवरिश? मेरी सारी तपस्या को तुमने मिट्टी में मिला दिया। डैडी, जाओ पहले जाकर उनसे माफी मांगो। माफी मांगो उनसे। साहब, आप नाराज मत होइए। आप शांत हो जाइए जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं मुझे है। कुछ हो जाए इससे पहले तो मुझे अपना फर्ज निभाने दोगी या नहीं? इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। साहब, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें जो भी तकलीफ मिली है वो इस बच्चे की वजह से। मम्मी डैडी कह कह के इसने हमारा जीना हराम करके रख दिया है। हमारी जिंदगी में जीने का मतलब इस लड़की ने बदल के रख दिया है। और आज देखो, ये आज अपने खून को भी पहचानने से इनकार कर रहा है। डैडी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सारी बातें आप इसे क्यों बता रहे हैं? इससे क्या लेना देना हमारा? चुप रहो फूल, लेना देना है? कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं, ये खून का रिश्ता है। डैडी, मुझे डैडी कह के मत बुलाओ, इनसे कहो डैडी। आई एम नॉट योर डैडी, ही इज योर डैडी। यस, ही इज योर फादर। ए, कान खोल के सुन ले। एक शैतान तेरी माँ की इज्जत लूटना चाहता था, इसी वजह से तेरा बाप वर्षों से जेल में सजा काट रहा था। उस आदमी के जेल में रहने के दौरान उसकी बीवी ने यह सोचा कि जब वो शैतान उसके पति के रहते हुए उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर सकता है तो उसके जेल में रहने पर क्यों नहीं करेगा। ये सोच के उस औरत ने आत्महत्या कर ली। और जानते हो, मरने से पहले वो औरत तुम्हें मुझे सौंप कर चली गई। और रवि, आज तुम सच्चाई के सारे घूंट पीने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी माँ की खुदकुशी के लिए और तुम्हारे बाप की बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है तू जानता है? आज तू जिस केस को अदालत में लड़ने जा रहा है, ये केस उसी बदमाश का है, और वो है उमा का पिता नागनाथ। माफ कर दीजिए डैडी। बेटा, मुझसे क्यों माफी मांगता है? माफी मांगना है तो पिता से मांग, जाओ। पापा, बेटा, मेरा बेटा, पापा, बेटा, नागनाथ, रवि, बेटा, रवि, उसे जाने दो, आज उसे इंसाफ करने दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। पापा, आप मत आइए, आप यहीं रहिए। नाम है नागनाथ। नागनाथ, छोड़ूंगा नहीं तुझे, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। कहाँ मर गए सब? छोड़ूंगा नहीं नागनाथ, हटाओ इसे। तुझे छोड़ूंगा नहीं नागनाथ, हटाओ इसे, तुझे छोड़ूंगा नहीं इसे। माजी, रवि कहाँ है?
आप रो क्यों रही हैं? वो मारने के लिए गया है। ये आप क्या कह रही हैं? वो कहाँ गया है बताइए ना माँ जी। वो तुम्हारे बाप से मिलने गया है। उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा बाप है, ये उसे पता चल गया। अब क्या होगा? डैडी, मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया है, आशीर्वाद दीजिए। नो, मैं तुमसे आज फिर कह रहा हूँ, तुम्हारे पिता वो हैं, उनका आशीर्वाद लो। खुश रहो, खुश रहो। रो मत बेटी, जो गुनाह करता है उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है, यही संसार का नियम है। तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। वेल, इंसाफ और फर्ज की इस जंग में जस्टिस गोपीनाथ ने दोहरी जीत हासिल की है। हाँ।